जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पुलिस नशा तस्करों पर पूरी तरह से नकेल कस रही है। बिलासपुर में हिमाचल और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में हिमाचल पंजाब बॉर्डर पर सीमावर्ती गांव जज्जर में देसी शराब की भट्टियों को पकड़ा। हालांकि वहां कोई तस्कर नहीं पकड़ा गया, मगर पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब के 36 ड्रम और भट्टियां पकड़ी हैं। वहीं देखने में लग रहा है कि गांव के जंगल में ये कारोबार काफी समय से चल रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस को भी इसकी जानकारी थी। भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि पंडित सुखराम ने हमेशा दल बदल की राजनीति की है और केवल स्वार्थ की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर सुखराम का ये बयान कि उन्होंने जयराम को मुख्यमंत्री बनाया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सुखराम ने जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अपितु प्रदेश की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद से सुखराम के बेटे अनिल शर्मा के इस्तीफे के निर्णय को उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा इस पर अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि अनिल शर्मा का पूरा परिवार कांग्रेस में जा चुका है और अब उन्हें भी कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। धर्मशाला में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष में भाजपा द्वारा धर्मशाला में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयोजित सम्मेलन में विशेष रूप से पहुंचे कपूर ने बाबा भीमराव अंबेडकर के योगदान को भी याद किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों की याद की। किशन कपूर ने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 वर्षों में लगभग 60 वर्ष तक कांग्रेस ने एक छत्र राज किया है और इस दौरान कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति का उपयोग किया है। विश्व विख्यात श्री ज्वालामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्रों का विधिवत ज्वाला माँ पूजन कर समापन किया गया। इन चैत्र नवरात्रों में दुर्गा माँ की विशेष पूजा की जाती है। इन नवरात्रों में मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालु सुविधा के सभी पुख्ता प्रबंध किए हुए थे। नवरात्रों के समापन अवसर पर ज्वाला माँ के मंदिर में श्रद्धा पूर्वक हवन की आहुतियाँ डाली गई। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भी श्रद्धा की पूर्णाहुति डाली और बाद में कन्या पूजन किया। एसडीएम राकेश शर्मा ने बताया कि चैत्र नवरात्रों के समापन हवन और कन्या पूजन के साथ किया गया। आज भी हजारों और लाखों श्रद्धालु ज्वाला माँ के दर्शनों के लिए लाइनों में लगे हुए थे। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। सुखराम द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर किए गए शाब्दिक हमले के बाद हिमाचल बीजेपी की तेवर मुखर हो गए हैं। प्रदेश पार्टी प्रवक्ता राम कुमार ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सुखराम को आज वर्षों पहले मिले करोड़ों रुपए की याद नहीं है और आज उनका परिवार अति महत्वाकांक्षी बन गया है। उन्होंने कहा कि सुखराम ने राजनीति में परिवारवाद की एक गलत परिपाटी तैयार की है। नूरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री कृपाल सिंह परमार ने कहा कि दल बदल की राजनीति के सिरमौर अगर कोई हैं तो सुखराम हैं। उन्होंने कहा कि सुखराम ने ही दल बदल की राजनीति का शुभारंभ किया है और वही इसका समापन करेंगे। परमार ने कहा कि इस परिवार को कभी कांग्रेस पार्टी में घुटन होती थी तो कभी भाजपा में, ऐसे में इस परिवार को सलाह है कि वो अपना ECG करवाए। परमार ने कहा कि अनिल शर्मा ने कल जो इस्तीफा देकर अपने पुत्र के साथ जाने के संकेत दिए हैं, वो उनका राजनीतिक क्षेत्र में सबसे बड़ा आत्मघाती पग है। उन्होंने कहा कि सुखराम के पुत्र ने अपने मंत्री पद खोया है, कल वो विधानसभा की सदस्यता भी खोएगा, वहीं उनका पौत्र लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ सुखराम के परिवार का
राजनीतिक अंत भी होगा। परमार ने कहा कि सुखराम एक सजा याफ्ता है जिन्हें 3 साल की सजा हुई है और आज वो पौत्र मोह में पूरे परिवार की राजनीति का अंत करने में तुले हैं।